पलामू के पांगी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी कुशवाहा डॉक्टर शशिभूषण मेहता ने सोमवार को नामांकन किया। अपने समर्थकों के साथ बीजेपी प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि पलामू की पांचों विधानसभा सीट पर बीजेपी की जीत होगी। बीजेपी प्रत्याशी कुशवाहा डॉक्टर शशिभूषण मेहता ने कहा कि पलामू की पांचों विधानसभा सीट पर कमल खिलेगा। झारखंड में बीजेपी की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ पांकी ही नहीं बल्कि पलामू के सभी विधानसभा सीट पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी। प्रत्याशी शशिभूषण मेहता के साथ प्रस्तावक के रूप में आए बीजेपी जिलाध्यक्ष अमित तिवारी ने भी जेएमएम पर कई आरोप लगाते हुए कहा कि इस चुनाव में जनता उन्हें सबक सिखाएगी। सबसे पहले तो हम अपने केंद्रित नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करना चाहेंगे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में पांकी विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए भेजा है। जिस प्रकार से पिछले बार आज़ादी के बाद पहली बार पांकी विधानसभा में कमल का फूल खिला था, ये दोबारा नहीं बल्कि ये जब तक धरती सूर्य है तब तक कमल का फूल खिलता रहेगा। अभी दूसरी बार भी हम लोग भारी अंतर से चुनाव जीतने का काम करेंगे और जो आशा आकांक्षा है तमाम नौजवानों का, तमाम ये बहनों का, तमाम माताओं का और किसानों का, व्यवसायियों का, सभी ऐसे आशा आकांक्षा को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। क्योंकि ये सरकार जो हेमंत सोरेन की सरकार है इससे पूरी जनता, पूरे राज्य की जनता है सो त्रस्त है, भ्रष्टाचार में ये लिप्त है। ये सरकार आप देखिए किस प्रकार से ये प्रधानमंत्री आवास आता है उसमें गड़बड़ियाँ होती है, जिसको मिलता है उसमें भी अभी पूरा नहीं हो पाता है। बालू के लिए हाहाकार है मचा हुआ है, बोरे में बालू बेच रहे हैं लोग, किलो में बेच रहे हैं लोग। और हमारी जब सरकार बनेगी तो हम निश्चित रूप से बालू ऐसे निर्माण कार्य के लिए सो फ्री कराने का, उपलब्ध कराने का काम करेंगे। और नौजवानों को जो इन्होंने ठगने का काम किया था जिसमें इन्होंने कहा था कि हम मेरे रोजगार देंगे 5 लाख प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, यानी 5.25 लाख। और मैं समझता हूँ कि अभी कुल मिलाकर के 3,000 भी ऐसे नौकरी नहीं दे पाए या नहीं अभी रोजगार नहीं देने के स्थिति में इन्होंने कहा था कि हम ये 7,000 रुपया स्नातकोत्तर को और ग्रेजुएट है सबको, स्नातक है सो ये छात्रों को हम 5,000 रुपया देंगे, लेकिन उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। हमारी सरकार बनेगी तो हम तमाम नौजवानों को स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों को 2,000 रुपये करके हमारी पार्टी देने का घोषणा किया है। साथ ही साथ बहनों के लिए कि ये गोगोस ये सम्मान योजना के तहत 21 रुपये देने का काम किया है, जो मोदी जी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है वही काम करती है, सो या ठगने का काम नहीं करती है। इसलिए बड़ी उम्मीद के साथ है झारखंड की तमाम जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रति आशान्वित है और आशा के अनुरूप ये वोट देगी और इसके ऐतिहासिक जीत दर्ज करा करके आने वाले समय में जो ये किया भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाने का काम करेगी। और पलामू से हम लोग सभी पांचों के पांचों सीट पलामू जिले से जीत करके सो सरकार में सो यहाँ के भागीदारी है सो हम लोग देने का काम करेंगे और आने वाले समय में ऐसी भ्रष्ट सरकार को सो हार करने का काम करेंगे। देखिए स्पष्ट रूप से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और पलामू जिला के पांचों का पांचों सीट हम लोग बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार का उत्साह मतदाताओं के बीच में है हम देख रहे हैं कि सरकार ने जो 5 साल में महिला, युवा, नौजवान, किसान सारे लोगों को छलने का काम किया है। और हम सब देख रहे हैं कि जिस प्रकार से बालू का समस्या है, बिजली का समस्या है, सरकार का सारा योजना परियोजना रुका हुआ है और कोई भी काम इस हेमंत सोरेन जी की सरकार में बिना पैसे का नहीं हो रहा है, इन सारे बातों से यहाँ के लोग त्रस्त आ गए हैं। और स्पष्ट रूप से हम कहना चाहते हैं कि एक मजबूत सरकार पलामू से बड़े मार्जिन के साथ सीट जीतते हुए झारखंड में हम लोग बनाने जा रहे हैं और डबल इंजन की सरकार मजबूती से काम करेगी। और जो हमारे सरकार पूर्ववर्ती सरकार ने विकास योजना चलाया था, आज जो योजना रुका हुआ है, जगह जगह देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार, लाइन ऑर्डर गिरते जा रहा है, उन सारे चीजों को आगे बढ़ाने के लिए बड़े मार्जिन के साथ जीतकर पांचों सीट हम मजबूती के साथ बड़े अंतर से जीतकर झारखंड में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं।